अस्सलामुअलैकुम। अब आम का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो हमने सोचे क्यों ना हम आपके लिए आम की रेसिपी लेकर आए, वो भी खट्टी मीठी, जो है आम का गुड़म्बा, वो भी हमारे गांव के स्टाइल का। और ये है हमारी नानी की रेसिपी, तो चलिए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे मसाले। ये हैं अखी लाल मिर्ची 4 से 5, ये 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिए हैं, 1/2 टीस्पून कलौंजी लिए हैं, 1 टीस्पून सौंफ लिए हैं, 1/2 टीस्पून जीरा लिए हैं, 1/4 टीस्पून मेथी दाना लिए हैं और 1/4 टीस्पून अजवाइन लिए। अब इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। भूनने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो चलिए अब हम पहले अपने मसाले को भून लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का स्टेप बताएंगे। हमने पैन रख दिए हैं और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं, और जो हमारी अखी लाल मिर्ची है वो हम बाद में भूनेंगे। सबसे पहले हम ये सारे मसाले, साबुत मसाले भून लेते हैं और इसे हम 1 से 2 मिनट तक ही सौटे करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो मसाला है वो कहीं जले ना, बस इसे जलने नहीं देना है और हमें इसे बिल्कुल एहतियात से भूनना है। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसे अलग प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं और अब हमारी अक्खी लाल मिर्ची भुनना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसे भी 1 से 2 मिनट तक ही भुनना है, इसे बिल्कुल जलने नहीं देना है। देखिए अब हमारी अक्खी लाल मिर्ची भी अच्छे से भून चुकी है। अब ये सारे मसाले को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और इसे पाउडर मसाला बना देंगे। तो चलिए अब हम आम का गुड़म्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। सब हमने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे। अभी इसे 1 से 2 सेकेंड तक सौटे होने देते। अब हम ये जो आम इस तरीके से हमने कट कर लिए थे, अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहिए तो इस तरीके से कट करिए, या आपको लंबी लंबी स्लाइस करके करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ज़्यादा पसंद है तो हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए। ठीक है, अब इसे हमें इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। देखिए अब हमें इसे अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे पकने देते हैं जब तक आम 50% गल ना जाए। तब तक हम इसे पकने देंगे, कम से कम हमें ये लगेगा 10 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। और ये इतने मज़े का बनेगा ना, आप इसकी टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। चलिए अब हम इस लीड लगा देते हैं और इसे स्लो फ्लेम पे पकने देते हैं। चलिए अब हम लीड ओपन करके देखते हैं कि हमारा आम जो है गल गया है कि नहीं। 50% तक, देखिए 50% तो ये गल चुका है। देखिए इसी तरीके से ये होना चाहिए। देखिए अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। ये हमने 150 ग्राम गुड़ लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं गुड़ को भी, लेकिन इसमें थोड़ा मीठा तीखा सब फ्लेवर आता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने इतना डाले हैं। अब जो हमने मसाला ग्राइंड किए थे वो हम इसमें 1 1/2 टीस्पून डाल देते हैं। हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे तो आपने बहुत यूट्यूब में गुड़म्बा की रेसिपी बहुत देखी होगी, लेकिन ये
हमारे तरीके से, हमारे गांव के तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पूरा आपको देसी फ्लेवर देगा और इतना मज़े का बनता है ना कि आप खाते रह जाओगे। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमने अब हाफ टी स्पून नमक डाल दिए, ये फ्लेवर के लिए होता है, इसे मतलब ज़्यादा नहीं डालना होता है, थोड़ा सा ही नमक डालना होता है, इसलिए हमने हाफ टी स्पून डाल दिए। अगर आपको, जब आप ये बनाएंगे और आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके घर में सबको आप हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा मतलब आप इतनी मीठी, खट्टी, तीखी सब फ्लेवर इसमें ऐड होता है ना, तो मतलब मज़ा आ जाता है इसे खाने में। और ये तो हमारी फेवरेट है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही पकने देना है कि गुड़ है, मसाला है, सब अच्छी तरीके से पक जाए। और जो हमने पानी दिए हैं तो जितना हमें थिक चाहिए या पतला चाहिए उतना ही हमें रखना है। अब हम चेक कर लेते हैं कितना पक चुका है। देखिए, बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, इससे ज़्यादा हमें पतला भी नहीं चाहिए, ये परफेक्ट है, इतना ही चाहिए। और आपको पता है ये हमारे यहाँ पे गुड़ को भेली कहा जाता है। तो अगर ये हमारे गांव की भेली है, अगर आपको यहाँ ऐसी भेली नहीं मिल रही है या आप गुड़ कहिए नहीं मिल रही है, तो आपके यहाँ जो भी अवेलेबल है आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। अगर आपको हमारी खट्टी मीठी गुड़म्बा की रेसिपी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।